गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? गुड मॉर्निंग सर। गगन, तुम्हारी गुड मॉर्निंग बहुत धीमी धीमी आ रही है। बिल्कुल तुम सो रहे हो, क्या बात है। बिल्कुल मनरेगा टाइप, ढीले ढाले, बेकार, फालतू टाइप से, क्या है ये? अरे सर मत पूछिए, बिल्कुल मनरेगा मेंटेलिटी हो रखी है सर। बिल्कुल ढीला ढाला, बिल्कुल बेकार सा सर, कुछ मत पूछिए सर। ओके, कुछ करने का मूड नहीं है, बैठे से बेकार भली पुरानी कहावत है और नई कहावत हम आज बात करेंगे, बैठे से मनरेगा भला। वैसे आज मैं आपको इस क्लास में मनरेगा के बारे में ही बताने वाला हूँ। मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है और बजट की जिन योजनाओं की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जिस पे पक्ष विपक्ष के नेता अर्थशास्त्री बहुत बात करते हैं, वो है मनरेगा। और इसमें हमें समझने की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम के बारे में एक बार कहा था कि मनरेगा बड़ी बेकार की योजना टाइप है और इसमें गड्ढे खोदे जाते हैं और गड्ढे भरे जाते हैं। लेकिन मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बने हुए बहुत लंबा अरसा बीत गया, ये स्कीम अब भी चल रही है, चलती ही जा रही है और कहावत पुरानी से नहीं हो गई, बैठे से मनरेगा भला। सर, अगर इस स्कीम में कुछ है ही नहीं तो ये स्कीम चलती क्यों जा रही है? स्कीमों का लॉजिक बहुत अलग होता है ना। स्कीम कोई सिर्फ इसलिए नहीं चलती कि उसके रिजल्ट आने चाहिए, है ना। आपको अगर पुराने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, कई स्टूडेंट 10 साल से पढ़ रहे हैं, 15 साल से पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वो पढ़ने के लिए आते हैं? कई सारी स्कीम सिर्फ इसलिए नहीं आती कि उनसे कोई कामयाबी हासिल करनी है, वो चलती रहती है। मैं जब छोटा था तब मैं गरीबी हटाओ स्कीम सुनता था, आज भी सुन रहा हूँ, मेरे किड्स भी सुन रहे हैं और भगवान ने चाहा तो ग्रांड किड्स भी सुनेंगे। मनरेगा का आप स्केल समझिए क्या है। 2022-23 में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम हैं, 15 करोड़ एक्टिव वर्कर, इसका आप स्केल समझ रहे हैं क्या है? 7 ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी हमारे यहाँ मनरेगा में काम करती है। कोई सिंगापुर वाला आपको ज़्यादा तड़ी दे तो बोले जितनी तुम्हारी पॉपुलेशन है उसका 30 गुना हमारे यहाँ मनरेगा में काम करते हैं। तो पॉइंट यह है कि इसका स्केल इतना बड़ा है कि कई देशों की आबादी से कई ज़्यादा बड़ी आबादी मनरेगा में लगी हुई है। रिजल्ट क्या आ रहे हैं ये एक अलग मसला है, पर वो लगे हुए हैं, पैसे मिल रहे हैं। 2022-23 में सरकार ने इसके लिए 73,000 करोड़ रुपए रखे थे और दिसंबर 2022 में सरकार ने एक्स्ट्रा इसके लिए मांगे 45,000 करोड़। हालांकि कोरोना के वक्त इस स्कीम का एक इस्तेमाल था, एक यूज़ था, तमाम लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो गांव में इसने एक बड़ी तादाद में रोजगार दिया। मगर मूल सवाल ये है, अगर आप गांव में जाकर देखें तो गांव में कई बार ये शिकायत करते हैं कारोबारी कि उनको मजदूर नहीं मिलते काम करने के लिए। वजह ये है कि मनरेगा से उनको पैसा मिल जाता है और कई केस में बिना काम किए हुए। जब बिना काम किए हुए पैसा मिलेगा तो कोई काम करके पैसा क्यों कमाना चाहेगा? तो मनरेगा की खिलाफ़ जो एक बड़ी शिकायत ये होती है कि इसने उन लोगों को बहुत प्रेरित किया है जो बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम बाद इसके बारे में ऑडिट हो, जानकारी मिले कि वाकई उन एसेट्स की क्वालिटी क्या है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ पहले, मोदी जी ने इसके बारे में कहा था कि मनरेगा कुछ इस तरह की योजना है कि गड्ढे खोदे जाते हैं और भरे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये चलती जा रही है, चलती ही जा रही है। साल दर साल ना सिर्फ चल रही है बल्कि इसके लिए बजट भी बढ़ाकर मांगा जाता है। लेकिन सर, हम एकदम विश्वगुरु बनने की तैयारी में हैं, तो ये मनरेगा जैसी स्कीम में काम कौन मांगता है? बहुत सही सवाल है। मुझे सवाल का जवाब अर्थशास्त्र नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र देना पड़ेगा, फिलॉसफी मुझे घुसना पड़ेगा। दर्शन शास्त्र में पढ़ाते हैं कि जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। बड़ा मुश्किल सा ये है, क्या मतलब? आप कहेंगे सर दिन दहाड़े क्या आप क्लास में लगा के आ गए, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जो है वो नहीं है। दरअसल
भारत के बारे में आप जो कहेंगे वो भी सच है, और जो आपने कहा ठीक उसका उल्टा भी सच है। भारत एक बहुत अमीर देश है क्योंकि इसमें इतनी मर्सिडीज, इतनी फॉर्चूनर, इतनी लग्जरी हवाई यात्राओं की डिमांड है, और भारत एक गरीब देश है। ये बात इससे साबित होती है कि 81 करोड़ लोगों के खाने पीने का अनाज का इंतजाम सरकार को करना पड़ता है। वो भी सच है, ये भी सच है, सब सच है। एक्स भी सच, एंटी एक्स भी सच। भारत दरअसल अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते समझें, 3 भारत एग्जिस्ट करते हैं। 140 करोड़ में से 5 करोड़ जो लोग हैं वो भारत का अमेरिका है। दिल्ली का ग्रेटर कैलाश, मुंबई का नरीमन पॉइंट, दिल्ली का सिविल लाइंस, ये भारत का अमेरिका है। यहाँ के एसेट्स, यहाँ के एस्पिरेशंस, यहाँ की इनकम, यहाँ के सपने, यहाँ की इच्छाएं, भारत का अमेरिका 5 करोड़ करीब। और करीब 40-45 करोड़ का जो भारत है वो भारत का मलेशिया है, मिडिल क्लास। करीब 80-85 करोड़ भारत का युगांडा है, जिसको किसी स्कीम से मुफ्त का अनाज चाहिए, किसी से रोजगार चाहिए। और ये तीनों भारत अपने आप में इतने बड़े हैं कि हर भारत का अपना महत्व है। भारत का अमेरिका इतना बड़ा है कि 10 न्यूजीलैंड बन सकते हैं 5 करोड़। भारत का अमेरिका इतना बड़ा है कि 2 ऑस्ट्रेलिया बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत का युगांडा अपनी जगह खड़ा हुआ है। मनरेगा जैसी योजनाओं का बहुत महत्व उन लोगों के लिए है जिनके लिए अस्तित्व का संकट भी एक ठोस संकट है, जो भारत का युगांडा है और उसकी तादाद बहुत बड़ी है। तो साहब, जो भारत का हिसाब किताब आप देखते हैं ना, इसमें कई तरह के भारत एग्जिस्ट कर रहे हैं, और 80 करोड़ से ज़्यादा का जो भारत है वो भारत का युगांडा है। उसके सामने खाने पीने की समस्या है। अब इसको ऐसे एंगल से देखें कि पैसे के लिहाज से अमेरिका इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट है, और वोट के लिहाज से युगांडा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो सारी योजनाएं जिनका ताल्लुक भारत के युगांडा से है, उसमें कई बार तर्क समझ में आए या ना आए, वो चलती रहेंगी। तो मनरेगा की स्कीम कुछ इस तरह की स्कीम है कि इसके व्यर्थता पे, कितनी बेकार है, रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तमाम बात होती रहे, लेकिन इसके ख़त्म होने की संभावना नहीं है। आने वाले बजट में भी हम देखेंगे कि इसमें एलोकेशन अगर ठीक ठाक हुआ तो ठीक, वरना सरकार की खाट खींची जाएगी कि साहब आपने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए ये एलोकेशन कम कर दिया। इसलिए सरकार चिंतित इस बात पर रहती है कि मनरेगा को लेकर अगर चिंता, चर्चा, डिबेट हो तो ये ना हो कि सरकार ने इसका बजट ड्रास्टिकली कम कर दिया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 15 करोड़ एक्टिव वर्कर्स जुड़ते हैं इससे, बहुत बड़ी आबादी जुड़ती है इससे। तो ये बजट की उन योजनाओं में से है जिसका आर्थिक कम राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, और जैसा मैंने आपको समझाया, सरकार वोट से चलती है, वोट चलता है राजनीति से। और बावजूद इसके कि सरकार के मुखिया एक बार जो मान चुके हों कि गड्ढे खोदने की और भरने की एक्सरसाइज है, ये स्कीम तमाम गड्ढों को पार करती हुई चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी।